नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। 32 वर्षीय भारतीय ऑलराउंडर परवेज रसूल पर जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने उन पर पिच रोलर चुराने के आरोप लगाए हैं। जी हां, सही सुना आपने, पिच रोलर चुराने के आरोप में जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने परवेज रसूल को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो जल्द से जल्द चुराया हुआ पिच रोलर वापस कर दे, नहीं तो मैनेजमेंट उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। JKCA के अधिकारी ने परवेज रसूल को एक हफ्ते का समय दिया है। वो चाहते हैं कि खिलाड़ी और बोर्ड के बीच आपसी संबंध खराब ना हो, इसीलिए वो जल्द से जल्द रोलर लौटा दे, नहीं तो वो पुलिस भी बुला सकते हैं या फिर कोई अन्य कानूनी कदम उठा सकते हैं। परवेज रसूल ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए इसके जवाब में कहा कि उन्होंने इतने साल तक जम्मू एंड कश्मीर टीम की सेवा में अपना तन मन लगा दिया, लेकिन इनाम में उन पर चोरी जैसे घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बोर्ड उन पर इस तरह के आरोप भी लगा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के एक मेंबर अनिल गुप्ता ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि हमने सिर्फ परवेज रसूल ही नहीं बल्कि हर जिला संघ को पत्र लिखा जो JKCA का सामान श्रीनगर से लेकर गए हैं। ये मशीनरी बिना किसी बाउचर के सभी जिला संघ को दी गई थी। इसी वजह से जिन जिलों की मेल आईडी हमारे पास नहीं थी, हमने वहां पर उस शख्स को मेल किया जिनका नाम हमारे यहां रजिस्टर था। आपको बता दें कि परवेज रसूल जम्मू एंड कश्मीर से खेलने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। परवेज रसूल ने भारत के लिए मात्र एक एक वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय खेला है। उन्होंने भारत के लिए साल 2014 में बांग्लादेश के विरुद्ध डेब्यू किया था और आखिरी बार वो नीली जर्सी में साल 2016 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए नजर आए थे, जब उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।